मैं नंदिनी आज फिर आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही खूबसूरत बैग बनाने जा रही हूँ, सिखाऊंगी भी। और इसको मैंने कई पीस में बनाया है, लेकिन पहले बनाना सिखाऊंगी, फिर बाद में बाकी दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने शॉर्ट्स में, जो मेरा शॉर्ट्स है यूट्यूब पर आया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने इसमें प्लेन वेलवेट कपड़े और स्कर्की प्रिंट के कपड़े साथ में लगा के उसका शॉर्ट बनाया था। तो थोड़ा सस्पेंस रखना भी ज़रूरी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंटेड पीस लिया है और एक लाइनिंग का पीस लिया है। दोनों का साइज़ हमारा 11x11 है, 11x11 का दोनों पीस है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से रखेंगे, सीधा इधर रखेंगे और दोनों सीधा अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भी टिप्स है एक तरीके से आप लोगों के लिए, कि जो अस्तर के कपड़े हमारे बच जाते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं, ख़रीदने पड़ते हैं हमें, तो या तो मैं कतरन हमेशा, जैसे कि बताती हूँ, मैं बचा के रखती हूँ, तो उसी कतरनों में से मैंने ये पीस रेडी किया है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा हमें। और आप चाहें तो नया भी लगा सकते हैं पूरा, ज़रूरी नहीं कतरन ही सिल के लगाएं। तो मैंने इसको यहाँ इस तरह से जॉइंट करके इसके साइज़ का रेडी कर लिया है। तो इसका जो उल्टा था ये ऊपर है, सीधा अंदर है, दोनों पीस सीधा अंदर है। अब इसको पहले चारों तरफ से ब्लॉक करेंगे। अब इसको हमने ब्लॉक कर लिया। तो ब्लॉक करने से क्या होगा कि अब दोनों पीस हमारे हिलेंगे नहीं। अब इसे हमें जिधर से लाइनिंग का कपड़ा है, इधर से ही हमें इसको फोल्ड करना है, एकदम बराबर से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर सेंटर मार्क निकालेंगे, ये जो फोल्ड किया है हमने, यहाँ सेंटर मार्क निकालेंगे, सबका सेंटर मार्क निकाल लेंगे इस तरह से। ये सेंटर मार्क हो गया, अंदर भी सेंटर मार्क लगा देते हैं। इस सेंटर मार्क को लगाने के बाद अब यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 5 इंच है, 5 इंच इधर, सेंटर से ही 5 इंच इधर, और 5 इंच पे लगाते हुए यहाँ पे एक राउंड का निशान बनाएंगे। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, इसको खोलेंगे। ये हमने राउंड शेप दिया है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको वापस पलटेंगे और यहाँ पर इसकी प्रिंट ले लेंगे। ये प्रिंट आ गई, दूसरी तरफ भी डार्क कर लेंगे एक बार, फिर पूरा डार्क करेंगे। अब इसको खोलेंगे और ये सेंटर पकड़ते हुए इसका भी निशान दूसरी तरफ ले लेंगे। ये मिल गया हमें निशान, अब इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। ये मिल गया हमें पूरा सर्कल। अब ये जो हमने सर्कल बनाया है, अब इस पर हमें मशीन चलानी है। अब ये जो हमने सिलाई की है, इसके किनारे किनारे हल्का सा मार्जिन देते हुए कट कर देंगे। चारों तरफ हल्का हल्का कट लगा देंगे, जिससे सिलाई ना कटे हमारी। अब कट करने के बाद ये जो हमने सेंटर निकाले थे, यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन खींचने के बाद इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दिया, अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमने 4 पीस में इसको कट कर लिया इस तरह से। अब एक एक पीस लेंगे, इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ेंगे, पूरा सेट करते हुए इसको से हाथ से प्रेस कर ले। और ये जो खुला हुआ साइड है सीधा वाला, इसको हम मशीन चला के पैक कर देंगे चारों पीस को।
यहाँ पर बता दूँ, ये जो गोल साइड है इस पर हमें अभी मशीन नहीं चलानी है। यहाँ पर हमने लिया है एक रबर शीट। अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप पैकिंग शीट भी ले सकते हैं जो पतली वाली आती है, और इसका साइज़ है 4x11 इंच। मैं जो भी पीस बता रही हूँ सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। तो रबर शीट की जो साइज़ है वो है 4x11 इंच, और यहाँ पर मैंने इसी प्रिंट का कपड़ा लिया है, इसका साइज़ है 6x13 इंच। अब इसको भी हम उल्टा रखेंगे, रबर शीट को बीच में रखेंगे, एकदम बीचों बीच में रखेंगे, और जो 11 इंच की साइड है इसको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से पैक कर देंगे। एक साइड से पैक करने के बाद कपड़े को बाहर की तरफ खींचेंगे और एक बीच में मशीन चला देंगे। अब दूसरे साइड में जो बचा हुआ है उसको भी फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर सीधी सिलाई से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। कपड़ा हमेशा थोड़ा बढ़ा के लेना चाहिए जब तक कि हम फाइनल लुकिंग ना कर दें। अब एक पीस हमारा ये रेडी हो गया। इसके बाद हम लेंगे 4x15 इंच का पीस, और जो हमारा बैग है ये इसी वेलवेट कपड़े से ही मैं पूरा रेडी कर रही हूँ। इसके साथ मैंने ये प्रिंट कॉम्बिनेशन में लिया है। तो जो बैग का मेन पार्ट है वो वेलवेट से है, बाकी जो भी साज सज्जा है वो प्रिंटेड है। तो यहाँ पर हमने 4x15 इंच का एक पीस लिया है, इसको हम बीच में कट करेंगे और एक 15 इंच की जिप लगाएंगे। ये हमने लाइनिंग का पीस लिया है, तो इस लाइनिंग के यहाँ पर हमने दो पीस लिए हैं। लाइनिंग के जो दो पीस हैं इनका साइज़ है 15x14 इंच। ये भी हमें दो पीस में चाहिए। तो अब हम इसमें इसको जोड़ना शुरू करेंगे। ये जो दो पीस कट किए हैं एक पीस हटाएंगे, एक जिप लेंगे, एक जो कट किया है पीस वो लेंगे, और ये 15x14 इंच का पीस लेंगे। तो जो 15 इंच का पीस है उसको जिप के ऊपर रखेंगे, जिप को उल्टी रखेंगे और इस पीस को रखेंगे और तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जिप को बाहर करते हुए लाइनिंग को और इस पीस को यहाँ पर दबाते हुए फिनिशिंग दे देंगे। सेम प्रोसीजर में जिप के ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे और जिप के नीचे लाइनिंग का पीस रखेंगे और जोड़ देंगे। इसका भी अस्तर बाहर निकालेंगे और इसके साथ यहाँ पर दबा के फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें दो रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद ये जो दोनों हमारा वेलवेट वाला पीस है कलर पीस, इसको यहाँ से हम पूरा सीधा पैक कर देंगे। तो सीधा पैक करते हुए आएंगे यहाँ पर, यहाँ से पैक करना शुरू करेंगे। यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, जिप पर अगर हो सके तो डबल मशीन चलाएंगे, और यहाँ से सिलते हुए आएंगे इस तरह से, और कॉर्नर पर यहाँ पर थोड़ी दूर ला के छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा सिलना है, इधर भी और इधर भी, इतना छोड़ते इतने बीच में हम गैप कर देंगे। ये पीस भी हमारा रेडी हो गया।
अब ये आ गया हमारा मेन पीस। इसका जो मेजरमेंट है वो है 15x27 इंच। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे एक साइड से। यहाँ पर हम 11.5 पर निशान लगाएंगे, ये 11.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ 11.5 से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर ये हमारा 11.5 हो जाएगा। तो 11, 22 और 23, 24, 27 तो हो गया हमारा 15x27 इंच का एक पीस। इसी तरह से इधर भी 11.5 पे निशान लगाएंगे ये, फिर 4 इंच छोड़ेंगे, फिर उधर 11.5 बच जाएगा। अब इसको हम ये जो हमने यहाँ पर 4 इंच वाला मार्क किया था, इसको यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। लाइन ऐसी चौक से खींचिए कि आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि हमको ये लाइन बाद में काम आएगी। अब ये बीच का हमने पोर्शन निकाल लिया, अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे बीचों में। अब इस 2 इंच को यहाँ भी हम डार्क कर देंगे, ये हमारा 2 इंच का मार्क है। अब इसमें हम काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पीस हमने रेडी किए थे सर्कल काट करके, इसको हम लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो राउंड शेप है और ये जो 4 इंच का यहाँ पे हमने निशान दिया है, इसको इस तरह से रखना है। राउंड शेप आपका अंदर की तरफ आना चाहिए, ये यहाँ पर सीधा आना चाहिए। और इसको एकदम किनारे से लगाते हुए पहले हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिलते आएंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, फिर यहाँ से सिलेंगे। तो ये जो यहाँ पर हम सिलाई करेंगे, ध्यान रहे कि ये जो लाइन हमने खींची है ये सिलाई के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ आना चाहिए। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे इसको दबाऊंगी सिलाई का मार्जिन देके, तो ये लाइन दिखाई देगी। इस तरह से रखना है इसको, ये हमने यहाँ पे मोड़ के नहीं सिला था, ये हमको सिलाई के अंदर दबाना है इसलिए। तो इसको यहाँ बराबर से रखेंगे, इसको इस लाइन से नीचे रखेंगे डाउन करके। और सिलने से पहले इसमें हम एक पिन लगा लेते हैं तो काम हमारा आसान हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अब इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम मशीन चलाएंगे। तो पहले हमने मशीन इसलिए नहीं चलाई थी कि दो दो मशीनें हमको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब इसको हम हाथ से प्रेस करते हुए गोलाई में सफाई से सिल देंगे। देखिए, इसको हमने यहाँ पर पूरा पैक कर दिया। और ठीक इसी प्रोसीजर में हम सारे पीस को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ बराबर होना चाहिए और यहाँ पर ये लाइन के अंदर सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से ये सारे कोने लगाने हैं, इस तरह से ये पैक लगेगा। ये चारों पीस हमारे लग गए। अब इसको लगाने के बाद ये जो हमने रबर शीट वाला पीस तैयार किया था इसको लेंगे, और ये जो हमने 2 इंच का यहाँ पे 2 इंच का ये लंबी लाइन बचाई थी और इसको बीच में छोड़ दिया था, इसको इस लाइन पे रखेंगे, इसको इस लाइन पर रखेंगे। तो यहाँ पर ये एकदम बराबर से आना चाहिए। अब ये जो सिलाई है इसके नीचे दब जानी चाहिए इस तरह से, इसके लिए मैंने वो धारी के नीचे इसको सिलाई करवाई थी। तो यहाँ पर भी अब हम पिन लगाएंगे ताकि ये हिले नहीं, और इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो अब इसको हमें चारों तरफ से पूरा पैक कर देना है।
अब ये हमारा बॉटम लग गया। अब ये जो पीस हमें दिखाई दे रहा है इसको सफाई से कट करके हम निकाल देंगे। ये हो गया इस तरह से रेडी। अब इसको हम 15 इंच की तरफ से फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्क निकालेंगे, ये सेंटर मार्क हो गया, चार उंगली रखेंगे, यहाँ से सेंटर, यहाँ पे सेंटर, इसी तरह से यहाँ भी मेजरमेंट ले लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर और ये निकाला है इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हमने यहाँ पर 24 इंच की टू पीस के लिए है और बेल्ट इसी वेलवेट कपड़े की बनाई है। तो यहाँ पर मैंने वेलवेट कपड़े का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा ये पार्टी वेयर भी बनेगा और देखने में भी हैंडीक्राफ्ट वाला लगेगा। आप चाहें तो कोई भी कपड़ा यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसका उलट भी कर सकते हैं, यहाँ प्रिंटेड ले सकते हैं, यहाँ प्लेन ले सकते हैं, कॉटन सिंथेटिक जो भी कपड़ा आपको मिलता है इस तरह से मिक्स मैच करके बना सकते हैं। तो अब हम बेल्ट जोड़ देते हैं। बेल्ट में जो यहाँ निशान लगाया है उसको हम बीचों बीच में रख के और जोड़ देंगे। हैंडल जोड़ने के बाद अब इसको हम दोनों साइड से पैक करेंगे। ये वाला एरिया पकड़ेंगे, यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों प्रिंट हमारी एक साथ बराबर आनी चाहिए। ये जो हमने कटिंग की थी इसको यहाँ बराबर से इस तरह से करेंगे और इसको भी यहाँ पर पैक कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे। ये कुछ इस तरह की लुकिंग में आ गया। अब इसके बाद ये जो पीस हमने रेडी किया था, जिप लगाई थी, जिप खोलेंगे। पूरा बैग अंदर डालेंगे, ऊपर की बेल्ट ऊपर रहेगी, नीचे की बेल्ट नीचे रहेगी, पूरा बैग इसमें सीधा ही डाल देंगे। ये उल्टा पीस रहेगा। अब ये जो जोड़ है साइड के, ये वाली सिलाई और इस बैग की सिलाई को यहाँ पर बराबर से मिलाएंगे और पिन लगा देंगे। इस साइड भी ये हमारा ये सिलाई और ये सिलाई, अब इसको मिलाते हुए पूरा हम राउंड में सिल देंगे। अब ये पूरा हमने पैक कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमने खुला छोड़ा था इसको अंदर करते हुए बैग हम अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको कॉर्नर बनाना है हमें, इसको यहाँ पर इस तरह से ये सिलाई बराबर से रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर टोटल 4 इंच ले लेंगे, ये 4 आ गया और इसका कॉर्नर बना देंगे, इसका भी बना देंगे। और ये जो कॉर्नर है 4 इंच का कॉर्नर बनाने के बाद इसको हम कट नहीं करेंगे। कट करने से क्या होता है, ये कपड़ा कमज़ोर हो जाता है और वो अंदर रहेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा और कपड़े की मजबूती बनी रहेगी।
ये हमने लाइनिंग का कॉर्नर बना दिया। अब ये जो यहाँ पे खुला छोड़ा था यहाँ से पूरा बैग हम बाहर निकालेंगे। लाइनिंग का कॉर्नर जो बाद में हमने 4 इंच वाला सिला था उसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये हमारे लाइनिंग के कॉर्नर आ गए इस तरह से। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है जब इसको हम यहाँ पर इस तरह से उंगली डाल के करेंगे तो ये अपने आप ही जो अंदर मुड़ा वाला हिस्सा है वो मुड़ जाएगा और इसको हम यहाँ से सिल के पैक कर देंगे। पूरी लाइनिंग को अंदर करेंगे, अच्छे से बैठा देंगे। अब ये जो जिप वाला हिस्सा हमने इसके साथ जोड़ा था यहाँ पर जहाँ से सिलाई वहाँ से इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से, बेल्ट बाहर, बाकी जो जिप वाला पीस है उसको हम अंदर करेंगे इस तरह से बराबर बैठाते हुए। अब यहाँ पर इस पार्ट को अंदर रखेंगे, बेल्ट बाहर, और यहाँ पर एक डाब मशीन चला देंगे। ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो है यहाँ पर हमने जो दाब मशीन दी उसकी वजह से पट्टी जो है अंदर हो गई। अब इसको हम इसकी जो सिप है इसको हम आसानी से बंद कर लेंगे। ये हमारा बैग कुछ इस तरह की लुकिंग में रेडी हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर बैग पार्टी वेयर के लिए हो, कुछ बैग ऐसे होने चाहिए जो कहीं भी हम ले जा सकें इसको और देखने में सुंदर लगे इस तरह के मिक्स मैच में कलर में। और इसके साथ ही ये देखिए मैंने और बैग बनाए हैं। ये ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बनाया है, ये रॉयल ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाया है इस तरह से। एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, और एक ये ऑरेंज में बनाया है। तो इस तरह से मैंने 6 कलर में ये एक ही पैटर्न बनाया है। तो अब मैं क्योंकि मशीन पे काम करने लगी हूँ तो घर पे रहती हूँ और घर में ही मेरा जो मिनी मार्ट है वो भी है तो मुझे टाइम मिल जाता है। तो लेडीज़ ख़रीदती भी हैं, ऑर्डर भी करती हैं, ऑनलाइन भी लोग मंगाते हैं। तो मैंने काम शुरू कर दिया है और इस तरह से ही मैंने 6 बैग कलरफुल रेडी कर दिए हैं। मल्टी यूज़ बैग कह लें इसको, आप कई तरीके से इसको बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। और जहाँ तक सेल करने की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया था यूट्यूब पर ही कि आप कहाँ सेल करती हैं, आपका कैसे बिक जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस करने जा रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल इंस्टाग्राम पर से बहुत सारे ऑफर्स और ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो आप अपनी चीज़ें जो भी हैं अगर सेल करना चाहती हैं सीरियसली, तो इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं और वहाँ पर सारी पिक वगैरह अपलोड करें, एक एक बैग की जो भी आपके पास सैंपल हो या बना के रखे हों। तो वहाँ पर आप लिखिए कि यहाँ पर ऑर्डर से भी बैग बनाए जाते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें अपनी प्यारी भाषा में तो लिखें। और थोड़ा धैर्य रखें कि ऑर्डर आएगा, और आएगा, ज़रूर आएगा। ना उम्मीद होने की तो कोई बात ही नहीं है। और क्योंकि मैंने भी अचानक से बिजनेस शुरू नहीं किया है, मेरा बिजनेस तो सन 2000 से चल रहा है। इंस्टा तो अब आया इधर कुछ सालों में, पहले ये सब सुविधा नहीं थी, लेकिन तब भी मैंने अपना बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया। और वही सब करते करते आज हाथ में सफाई आ गई है, लोग पसंद करते हैं, बनवाते हैं, मंगाते हैं। तो बस इसी उम्मीद में आप लोग भी थोड़ा डटे रहिए, घबराइए मत। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।